यूक्रेन और रूस की जंग में राजधानी कीव मलबे का ढेर बन गई है। चारों तरफ से सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। न्यूज 18 की टीम खतरों के बीच लगातार युद्ध क्षेत्र से रिपोर्टिंग कर रही है। हमारे सहयोगी अरुण सिंह ग्राउंड जीरो से बर्बादी की तस्वीर भेज रहे हैं। आप भी देखिए इनकी एक और रिपोर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव से सामने आ रही तस्वीरें रूसी सेना की बर्बरता की कहानी बयां कर रही हैं। जो इमारतें पूरी शान के साथ खड़ी थी, आज वो खंडहर बन गई। जहां भविष्य के खिलाड़ी तैयार होते थे, रूसी सेना के हमले में वो स्पोर्ट्स सेंटर पूरी तरह धराशायी हो गया है। ये कारें कभी कीव की सड़कों पर रफ्तार भरती थी, वो आज कबाड़ बनकर खड़ी है। कीव जतोमर हाईवे से भी जंग के बाद बर्बादी की खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जिसमें कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई। न्यूज 18 की टीम के साथ हमारे सहयोगी अरुण सिंह खतरों के बीच बैटल ग्राउंड से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और भीषण जंग की कहानी को बयां कर रहे हैं। सबसे पहले बात कीव के स्पोर्ट्स सेंटर की, जहां रूस के रॉकेट और फाइटर जेट ने इतने बम बरसाए कि पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस स्पोर्ट्स सेंटर में एक स्विमिंग पूल भी था, जहां खिलाड़ी स्विमिंग करने आते थे, लेकिन आज ना तो स्पोर्ट्स सेंटर का नामो निशा बचा है और ना ही वो स्विमिंग पूल का। देखिए मेरे पीछे ये बड़ा सा स्विमिंग पूल था और कई मंजिला स्विमिंग पूल था। ये बहुत ही आधुनिक स्विमिंग पूल था, जिसमें एक मिसाइल आकर के गिरती है और ये इतना मजबूत स्ट्रक्चर धाराशायी हो जाता है। आपको मैं दिखा रहा हूँ तस्वीरों में, आप मेरे साथ आइए और देखिए कितनी मोटी बीम है। ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही मोटा है, सीमेंटेड है, और कितनी मोटी सरिया इसके अंदर लगी हुई है, लेकिन एक मिसाइल ने पूरा तबाह कर दिया। ये देखिए ऊपर तक तस्वीरें देखिए आप कि इस स्विमिंग पूल को, जहां पर बहुत सारे लोग आते थे और इसमें स्पोर्ट्स जिम भी थी, तो जिम भी थी, इस जो खिलाड़ी यहां पर आते थे उनको यहां से उसी वक्त कुछ देर पहले सायरन बजने पर निकाला गया था। उसके बाद ही यहां पर अटैक हुआ था, जिसमें लोगों की जान तो बच गई, लेकिन डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, तबाही कैसे हुई है, ये देखिए। रूसी बमबारी का शिकार बनी इस इमारत को देखिए। शहर के बीचों बीच खड़ी यह इमारत कभी शान से खड़ी थी, लेकिन आज ये इमारत सिर्फ खंडहर बनकर खड़ी है। जिस वक्त कीव पर रूसी सेना का कब्जा था, उस वक्त इस बिल्डिंग पर ये कहते हुए रॉकेट से हमला किया गया था कि ये यूक्रेन का सैन्य अड्डा है। और हमारे संवाददाता अरुण सिंह इस इमारत के पास पहुंचे और कैसे रूसी सेना ने इस पर हमला किया वो समझने की कोशिश की। ये तस्वीर गवाही देती है कि यूक्रेन पर रूस का हमला कितना खतरनाक और कितना गंभीर था, कितना तेजी से उसने हमला किया था, पलक झपकते हमला किया था और संभलने का मौका नहीं देता। ये बिल्डिंग कई मंजिला बिल्डिंग है, जिसके चारों तरफ आपको तबाही के निशान दिख रहे होंगे, चारों तरफ आपको तबाही का मंजर दिख रहा होगा, चारों तरफ आपको बर्बादी का मंजर दिख रहा होगा। इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, लेकिन इसका आधा हिस्सा इधर धराशायी हो गया और आधा हिस्सा अभी बचा हुआ है, लेकिन अब वो रहने लायक नहीं है। अब जरा कीव में ही इस इमारत को देखिए, जिस पर रूसी सेना ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल से अटैक किया। हमला इतना भयानक था कि इमारत गिर गई और देखिए यहाँ करीब 40 से 50 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इसके तुरंत बाद रूसी सेना ने एक और मिसाइल से हमला किया, जिसके शॉक वेव से ये दूसरी बिल्डिंग की पहली मंजिल भी मलबे का ढेर बन गई। ये एक ऐसी जगह पर हम आए हैं जहां पर मिसाइल आकर के गिरी थी और लगभग 15 मीटर अंदर तक, जी हाँ 15 मीटर अंदर, लगभग 40 से 50 फुट अंदर तक वो मिसाइल गई थी। और तब वो गई थी मिसाइल 50 फुट तक, जब ऊपर 4 मंजिला स्ट्रक्चर था। यानी ये जो मलबा देख रहे हैं, ये जो मलबा आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्डिंग 4 मंजिला बिल्डिंग थी और इस बिल्डिंग को चीरती हुई, ध्वस्त करती हुई ये मिसाइल
40 से 50 फुट अंदर तक गई थी। ये रूस की सबसे खतरनाक मिसाइल में से एक है। यूक्रेन की सेना न उसका विवरण दे रही है, न ही ये बता रही कि कौन सी मिसाइल है। बस इतना जानकारी हमको दी गई है कि 40 से 50 फुट जमीन के अंदर ये मिसाइल गई थी और उसका असर क्या हुआ, शॉक वेव जो होती है उससे देखिए। ये जो बिल्डिंग है इसका पहला माला यानी पहली मंजिल धराशायी हो गई है। कीव में रूसी सेना के हमले का यूक्रेन की सेना ने भी जोरदार पलटवार किया और आखिरकार रूसी सेना को यहां से पीछे हटना पड़ा। लेकिन दावा किया जा रहा है कि पुतिन की सेना एक कदम पीछे जरूर हटी है, लेकिन वो दोबारा दोगुनी ताकत से कीव पर हमले की तैयारी में जुटी है। हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति से सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। This is the behavior of Putin like a butchery. Butcher, blood butcher, and with this situation, this is completely unacceptable. कीव और उसके आसपास के शहरों में जिस तरह से शवों के ढेर मिल रहे हैं उसके बाद रूस पर नरसंहार के आरोप लग रहे हैं। कीव में फिलहाल रूसी सेना के लौटते ही हालात सामान्य होने लगे हैं, लेकिन अगर रूसी सेना दोबारा कीव पर हमले के लिए लौटती है तो हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं। और रूस की सेना ने सबसे पहले यूक्रेन के मारीपोल शहर में जबरदस्त बर्बादी की। पूरा शहर खंडर हो चुका है, तबाही की तस्वीर एक एक कोने से देखी गई। फिर यही तस्वीर यूक्रेन के शहर बूचा से सामने आई और अब यही तस्वीर यूक्रेन के शहर स्ट्रेंका से आई है जहां रूस की सेना ने भीषण बर्बादी की है। पूरा शहर जल गया है। ये तीन तस्वीर आप देखिए किस तरीके से तबाही का मंजर शुरू हुआ मारीपोल शहर से और फिर होता होता बूचा पहुंचा और अब स्ट्रेंका पर रूस की सेना लगातार हमले और बमबारी करती हुई नजर आ रही है। चारों तरफ इसी तरीके से तबाही का मंजर है, आगजनी है और काले धुएं का गुबार जो कि ये बताता हुआ कि भयानक और भयावह स्थिति इस वक्त यूक्रेन की बन चुकी है और ऐसे में हर कोई यही दुआ करता हुआ कि किसी भी तरीके से इस युद्ध पर विराम लग जाए। 40 दिन बीत चुके हैं, आज इस महायुद्ध का 41वां दिन है, लेकिन लगातार पुतिन और ज़ेलेंस्की की सेना आमने सामने है और यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी है। रूसी फौज यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी कर उसे तबाह कर चुकी है और अब धीरे धीरे वो यूक्रेन के बाकी बचे शहरों को भी निशाना बना रही है। रूस ने अब यूक्रेन के किस नए शहर को टारगेट कर लिया है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। पहले खार्किव तबाह, मारियोपोल में मचाई बर्बादी और अब पुतिन के टारगेट पर नया शहर। रूस ने जब से यूक्रेन पर हमला किया है उसका एक ही टारगेट रहा है, कीव पर कब्जा करना। लेकिन रूस का यह मंसूबा युद्ध के 40 दिन बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। कीव पर फतह हासिल करने के लिए रूस ने हर हथकंडे अपनाए, लेकिन यूक्रेन की तैयारी के आगे उसके कीव पर कब्जे की हर चाल फेल हो गई, जिसकी वजह से रूस बौखलाया हुआ है। और वो कीव पर कब्जा नहीं कर पाने का गुस्सा कीव से सटे शहरों पर उतार रहा है। रूसी फौज ने कीव के नजदीक बसे शहर स्टेयंका पर मिसाइलों की बारिश कर उसे तबाह और बर्बाद कर दिया है। स्टेयंका पर रूसी सेना की बमबारी, मिसाइल हमलों से शहर हुआ तबाह, गोलीबारी में इमारती मकान बर्बाद। रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है, कभी मिसाइल दाग रहा है, कभी टैंक से गोले बरसा रहा है। तो कभी लड़ाकू विमान के जरिए यूक्रेन के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है।
यूक्रेन के शहर के शहर रूसी बमबारी से वीरान हो गए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की हार मानने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन के सेना वहां के शहरों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह करने में जुटी है। रूस को यह पता है कि अगर कीव में दाखिल होना है तो उसे आसपास बसे शहरों पर कब्जा जमाना होगा और इसी वजह से रूसी सेना ने डिस्ट्यांका शहर को हथियाने के लिए उस पर इतने बम बरसाए कि वो शहर पूरी तरह खंजहर में तब्दील हो गया। डिस्ट्यांका शहर की जो तस्वीरें जारी की गई हैं, उनमें हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। आसमान से ली गई इन तस्वीरों में जली हुई इमारतें, मकान और फैक्ट्रियां दिखाई दी। जिन इमारतों में लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, वहां जिंदगी का नामो निशान तक मिट चुका है। देखने से ऐसा लगा जैसे शहर सालों से वीरान पड़ा हो। एक तस्वीर में तो जमीन पर मिसाइल गिरने की वजह से बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। बमबारी की वजह से नदी पर बने पुल तक टूट गए, जिसकी वजह से आवाजाही ठप पड़ गई। कीव पर कब्जे की सनक में पुतिन नए नए प्लान बना रहे हैं। वो बार बार अपना टारगेट बदल रहे हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पुतिन की रेड आर्मी कीव पर अपना झंडा नहीं फहरा पाई है। और इस बात से झल्लाए पुतिन यूक्रेन के नए नए शहरों को टारगेट कर रहे हैं। कैसे रूस पर भारी पड़ा यूक्रेन? जंग के मैदान में कैसे पलटा पासा? रूस के एयर डिफेंस पर यूक्रेन का कब्जा। खार्किव में फेल पुतिन का दांव। युद्ध के मैदान में पुतिन की सेना जिस यूक्रेन को बेहद कमजोर आंक रही थी, उसके सैनिकों ने अब ऐसा दांव चलना शुरू कर दिया है जिसने पुतिन की सेना को खार्किव जैसे इलाके में घुटनों के बल ला दिया है। इसी कड़ी में यूक्रेन की सेना ने अब जो दावा किया है वो किसी को भी चौंका सकता है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने खार्किव में रूस के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस का ये एयर डिफेंस सिस्टम उसके हाथ आने से रूस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम रूसी सेना को हवाई हमलों से अलर्ट कर देता था और यूक्रेन की सेना को करारा जवाब देता था, अब उसी एयर डिफेंस सिस्टम की कमांड यूक्रेन की सेना के हाथों में आ गई है। इसी के साथ आसमान से होने वाले हमलों को रोक पाने की रूस की ताकत में कमी आ गई है, क्योंकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के तीन बर्नाउ टी एयर डिफेंस सिस्टम अपने कब्जे में लेने का दावा किया है, जिनमें पहला 3 मार्च को कीव में, दूसरा 12 मार्च को और तीसरा 27 मार्च को खार्किव में यूक्रेन की सेना के कब्जे में आ चुका है। बताया जा रहा है कि ये रूसी सेना के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के हाथ लगे रूस के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम का फायदा पश्चिमी देश भी उठा सकते हैं और उसके जैसा ही एयर डिफेंस सिस्टम बनाकर भविष्य में रूस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। वहीं यूक्रेन ने सिर्फ बर्नाउ टी ही नहीं बल्कि रूस के T-72B टैंक, हॉविट्ज़र तोप समेत कई और आधुनिक हथियारों पर कब्जे का दावा किया है। यानी अभी तक रूस की सेना यूक्रेन पर जो दांव चल रही थी, अब वैसा ही दांव ज़ेलेंस्की की सेना भी चलने लगी है। और
और जंग का लगातार खिंचना इस वक्त पुतिन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। कभी खबर आती है कि रूस की सेना ही विद्रोह पर आमादा है, तो कभी खबर आती है कि पुतिन के अपने ही वफादार अब उन्हें धोखा दे रहे हैं। ऐसे ही हालात से निपटने के लिए अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी युद्ध की रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। रूस की नई रणनीति, कीव से सीना हटाने की साजिश, क्या विद्रोह के आगे मजबूर हुए पुतिन? भले ही रूस के हमलों से यूक्रेन के कई शहरों में तस्वीर तबाही और बर्बादी की देखने को मिल रही है, लेकिन एक डर रूस के राष्ट्रपति पुतिन को दिन रात सता रहा है। ये डर है अपनों से मिले धोखे का, ये डर है खुद की ही सेना में फूटी विद्रोह की आवाज का। और अब इसी डर और दहशत से पार पाने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी युद्ध की रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। बताया जा रहा है कि पुतिन ने कीव से अपनी सेना को काफी पीछे बुला लिया है। पुतिन के इस कदम को लगातार उनका नया पैतरा माना जा रहा है। दावा है कि पुतिन दो कदम पीछे हटकर यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल जंग के बीच पुतिन को नए सिरे से इसलिए सोचना पड़ रहा है क्योंकि नेटो का दावा पुतिन के गले की फांस बन गया है। नेटो का दावा है कि अब तक की जंग में 15,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। कहा जाता है कि सोवियत संघ के इतने सैनिक तो 90 के दशक में अफगानिस्तान में भी नहीं मारे गए थे। माना जा रहा है कि रूसी सैनिक अपने कम वेतन से भी नाराज हैं। पिछले दिनों पुतिन ने अपने कार्यकाल में सुधार की वकालत करते हुए सेना का बजट तो बढ़ाया, लेकिन इससे सैनिकों का वेतन नहीं बढ़ा। वैसे रूसी सेना में विद्रोह की कहानी नई नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी कई सैनिकों पर बगावत के आरोप लगे थे, लेकिन तब ऐसा माना जाता है कि सोवियत संघ के शासक स्टालिन ने ऐसे 1.5 लाख सैनिकों को मरवा दिया था। यही वजह है कि नेटो लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि युद्ध के दौरान रूसी सेना के हौसले में बेहद कमी आई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखनाथ मंदिर में हथियार लेकर घुसने और पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के तार अब आतंकवाद से जुड़ते नजर आ रहे हैं। यूपी एटीएस और एसटीएफ को मुर्तजा के पास से लैपटॉप मिला है जिसमें सीरिया और आईएसआईएस से जुड़े कुछ वीडियो और कागज मिले हैं, जिसके बाद अब मुर्तजा के आतंकी कनेक्शन की जांच भी की जा रही है। आतंकी संगठन गजवातुल हिंद से मुर्तजा के तार जुड़े होने का शक है और यही वजह है कि अब एटीएस की टीम मुर्तजा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में जुट चुकी है। और क्या वाकई मुर्तजा किसी आतंकी संगठन के संपर्क में था? कहीं गोरखनाथ मंदिर पर हमले के पीछे कोई आतंकी साजिश तो नहीं है? इन सब सवालों के जवाब तलाशने के लिए यूपी एटीएस की टीम लगातार जांच करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब जो एविडेंस मिले हैं वो लगातार इस ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में मुर्तजा यहां पर पहुंचा था। ये 3 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से गोरखनाथ मंदिर के बाहर यहां पर ये शख्स जो है हमला करता है, जिसमें 2 जवान घायल होते हैं और उसके बाद एटीएस लगातार इससे पूछताछ कर रही है क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है ये मुर्तजा। गोरखनाथ मंदिर के गेट पर सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाले मुर्तजा की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई रहस्य सामने आ रहे हैं। पहला रहस्य तो ये सामने आया है कि वो सिद्धार्थनगर के अलीगढ़वा बॉर्डर के रास्ते नेपाल में प्रवेश किया था। शनिवार को वो नेपाल गया था और वो सिद्धार्थनगर के अलीगढ़वा बॉर्डर से गया था। चूंकि सोनौली बॉर्डर पे सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त होती है और उसकी अपेक्षा अलीगढ़वा बॉर्डर पे थोड़ी सी सुरक्षा व्यवस्था कम होती है, इसलिए उसने बड़े ही सातिराना ढंग से अलीगढ़वा बॉर्डर को चुना था और अलीगढ़वा बॉर्डर के रास्ते वो नेपाल में प्रवेश किया था। और वहीं से वापस आने के बाद जो उसके पास यहाँ पे हथियार मिले थे वो हथियार उसने यहीं अलीगढ़वा में ही खरीदे थे और उसको लेके यहाँ आने के बाद यहाँ पे घटना को अंजाम दिया था। साथ ही इस मामले में अब
यूपी एटीएस की टीम ने दो संदिग्धों को महाराजगंज से उठा लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है। अब उसकी जो मोबाइल है, उसके लैपटॉप है, उसको धीरे धीरे जैसे जैसे एजेंसियां रिकवर कर रही हैं, वैसे वैसे रहस्य खुल रहा है। हालांकि जो मुर्तजा है वो कितना सातिर था, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसके मोबाइल में या उसके लैपटॉप में कोई डाटा नहीं मिला है। अब जो एजेंसियां हैं वो लगातार उस डाटा को रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं और लगातार उस जाँच के दायरे को आगे वो बढ़ा रही हैं। और जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया जारी है और इस बीच कश्मीरी हिंदुओं के पुनर्वास को लेकर बन रहे माहौल और पर्यटकों की रिकॉर्ड आमद से बौखलाए आतंकवादियों ने घाटी में एक के बाद एक 24 घंटे में 4 हमले किए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकवादियों ने एक 32 साल के कश्मीरी पंडित बालकृष्ण पर हमला किया। उससे पहले पुलवामा में बिहार के रहने वाले पिता पुत्र को आतंकवादियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। इसके अलावा श्रीनगर के मैसूमा इलाके में गश्त कर रहे सीआरपीएफ जवानों पर भी आतंकियों ने हमला किया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया जबकि दूसरे जवान को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये हमले उस वक्त हुए जब परिसीमन आयोग विधानसभा चुनावों से पहले घाटी में परिसीमन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर है। सीआरपीएफ के जवानों पर हमले की जिम्मेदारी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है, जबकि पुलवामा हमले में रेजिस्टेंस फ्रंट का हाथ बताया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि श्रीनगर के मैसूमा में आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल विशाल कुमार को बड़गाम में श्रद्धांजलि दी गई। विशाल कुमार बिहार के मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड के नाकी गांव के रहने वाले थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी उनकी शहादत पर दुख जताया। इंसिडेंट सबसे पहले तो निंदनीय है और इसकी जितनी मजम्मत सिविल सर्कल्स में हुई है उससे बराबर ये लगता है कि इस तरह का इंसिडेंट, इस तरह का वाक़ा, जो लोग आम जनता, आम लोगों की सुरक्षा में तैनात होते हैं उनके साथ करें तो एक बहुत घटिया हरकत है और इस तरह की हरकत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूजा में नरसंहार की तस्वीर आने के बाद पुतिन बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। इल्जाम उन्हीं की फौज पर लग रहा है और ऐसे में पुतिन ने बचने का एक नया तरीका निकाला है और अब इसे वो अगले 24 घंटे में अंजाम देने जा रहे हैं। राजधानी कीव के मोर्चे से फौज हटाने के बाद पुतिन ने रेड कॉरिडोर बनाने का फैसला कर लिया है। क्या है ये रेड कॉरिडोर और इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आपको पुतिन के प्लान बी के बारे में बहुत हैरान करने वाली बातें पता चलेंगी। कीव के पास बुचा शहर में लाशें मिली तो रोज धमाकों के साथ सोता और जागता है मारियुपोल। कीव और मारियुपोल के बाद यूक्रेन के दो और शहर देखे जहां बड़ी तबाही हुई है। एक है बोरोडियांका और दूसरा है स्टियांका। ये दोनों शहर राजधानी कीव के 50 किलोमीटर के दायरे में। बोरोडियांका भी बुचा की तरह लाशों से पटा पड़ा है। यहाँ की तस्वीर भी डराने वाली है। ये वीडियो देखिए जिसे चलती कार से शूट किया गया है और अब यहाँ की तबाही का अंदाजा लगाइए। इस शहर में एक भी इमारत साबुत नहीं बची। ज्यादातर बिल्डिंग पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है। शहर खाली हो चुका है। कुछ चुनिंदा गाड़ियां चलती हुई देखी जा सकती। वहीं करीब ही स्टियांका में भी बड़े पैमाने पर बमबारी हुई। ये यूक्रेन का एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ जंग से जो हाल हुआ है उसकी तस्वीरें भी डराने वाली है। शहर में ना के बराबर लोग बचे हैं। जली हुई इमारतें, सड़कों पर बिखरा मलबा, यहाँ हुई जंग की स्क्रिप्ट बता रहा है। बोरोडियांका और स्टियांका की तस्वीरों से पता चलता है कि जो गुस्सा रूस कीव पर उतारना चाहता था उसका पहला शिकार यूक्रेन के यही दो छोटे शहर बने। 23 किलोमीटर северо-западнее Киева военнослужащими 72-го украинского главного центра психологических операций
была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные средства массовой информации. Подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы. बूचा के बाद बोरो डंके और स्टेंका से जो तस्वीरें आई हैं वो दिल दहला देने वाली हैं और बेहद दर्दनाक हैं। कीव में लोग गुस्से से भर गए हैं। जेलेंस्की ने भी ऐलान कर दिया है कि रूस ने जो नरसंहार किया है उसका बदला यूक्रेन लेके रहेगा। забезпечується необхідна процесуальна основа для притягнення винних російських військових до відповідальності за кожен скоєний ними злочин. Хочу підкреслити, ми зацікавлені у максимально повному, прозорому розслідуванні, результати якого будуть відомі і пояснені всі. रूसी सेना धीरे धीरे यूक्रेन के कुछ इलाकों से पीछे हटी है, लेकिन उसके पीछे हटने के साथ जो शहर में बाकी बचा है उसकी तस्वीरें दुनिया तक पहुंच रही है। बूचा शहर में हुए नरसंहार ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। скільки тут 200 метрів. От 12 чоловік лежало убитих наших. І гражданські ж молоді хлопці, то і на мотороллері, то машини. Прочитав у машини 15 машин було розбито від воєнкомата від нашого і ось до вугла. Це кілометр. От 15 машин по дорозі, все це. लेकिन कीव और बुचा से दूर हटने के बाद पुतिन अब ईस्ट वर्सेस वेस्ट वाले फ्रंट के लिए तैयार हो रहे हैं। सवाल है कि क्या उसमें ज़ेलेंस्की का कीव वाला किला ढहेगा? यूक्रेन में रूस का रेड कॉरिडोर क्या है? क्या ये पुतिन के प्लान बी का हिस्सा है? क्या वो रेड कॉरिडोर तैयार करके पूरी जंग का दायरा ही बदलने जा रहे हैं? 1.5 से 2 लाख की फौज लेकर जो ऑपरेशन पुतिन ने शुरू किया था उसमें 60,000 रिजर्व फोर्स और झोंकी जा रही है। But to the world that Russian forces are responsible for the atrocities in Bucha. Now, exactly who, what units, whether they're contractors or Chechens, I don't think we're able to say right now. But we're certainly not refuting that these atrocities occurred and that they occurred at the hands of Russians. जंग तीसरे महीने में चल रही है, यानी फरवरी में हमला किया, मार्च में युद्ध तेज हुआ, अप्रैल में भी युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में यूक्रेन में पुतिन के सामने 5 बड़े लक्ष्य क्या? वो बहुत गौर से समझिएगा। कीव से पीछे हटने के बाद पुतिन अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी वो इलाके जहां रूस का दबदबा है उस पर और जोर लगाना चाहते हैं, और ये है ईस्ट कॉरिडोर यानी डोनबास का वो रीजन जहां लुहांस और डोनेस्क इलाके आते हैं। इसके साथ ही रूस दक्षिण में मारियुपोल और क्राइमिया तक रेड कॉरिडोर बनाना चाहता है, और इन्हीं इलाकों में मजबूत पकड़ हासिल करके वो यूक्रेन को बांटने वाली नदी नाइपर के जरिए ईस्ट और वेस्ट वाला फ्रंट तैयार करना चाहता है। They're going to reorganize and try to move into the southeast of the country in the Donbass region and then push this land bridge all the way across the southern coast of Ukraine, all the way through Crimea to Odessa. Then maybe that will become part of their strategic requirement again, and we might see a renewed attempt to take Odessa. But I have to say, they're still quite a long way from doing that, and I think that the Russians will find that they've got a pretty tough fight in the Donbass because they'll be up against the best of the Ukrainian forces. जेलेंस्की रूस के प्लान को अच्छी तरह से समझते हैं। अमेरिका और नेटो देशों के मुंह फेर लेने से जेलेंस्की के पास अब बहुत कुछ बचा नहीं है। वो सहानुभूति हथियाने वाले कदम अब लगातार उठा रहे हैं। एक के बाद एक जेलेंस्की के पैरों तले जमीन तेजी से खिसक भी रही है। अभी रूसी मिसाइलों के हमलों से खेरसोन, खार्किव और ओडेसा हर वक्त दहल रहा है। दुनिया ही नहीं, अब रूस भी पुतिन से पूछ रहा है कि आखिर करीब 1.5 महीने तक चल चुके युद्ध में पुतिन क्या हासिल किया? रूस का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? पुतिन को अब तक जारी इस युद्ध में कितने नंबर मिलने चाहिए? जाहिर है कि रूस ने जैसी कामयाबी सोची थी वैसी उसे यूक्रेन में नहीं मिल रही है। 1.25 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन रूस की सेनाओं को अब पीछे जाना पड़ रहा है। यूक्रेन की सेनाओं ने रूस से जबरदस्त लड़ाई लड़ी है। पूरी दुनिया में इस बात पर बहस हो रही है कि पुतिन को इस अभियान के लिए कितना नंबर दिया जाना चाहिए। कीव और खार्किव में पुतिन को 0 नंबर मिलेंगे। उनकी सेना शहर में घुस भी नहीं पाई। डोनेस्क और लुहांस पर रूस का पहले से कब्जा है, लेकिन यहाँ यूक्रेन के हमले भी जारी। पुतिन को इसके लिए 10 में से 7 नंबर दिए जा सकते हैं। मारियुपोल में रूस की फौज मौजूद है, लेकिन कब्जा नहीं कर पाई। यहाँ पुतिन के लिए कामयाबी 50-50 है, यानी
10 में से 5 नंबर। खेरसोन में रूस कब्जा कर चुका है, लेकिन यूक्रेन इसे वापस लेने की कोशिश कर रहा है। पुतिन को यहाँ भी 7 नंबर दिए जा सकते हैं। ओडेसा में पुतिन की मिसाइलें तो चली हैं, लेकिन जमीनी फौज अब भी दूर है। यहाँ पुतिन की रिपोर्ट पर अभी इंतजार करना होगा। वैसे पुतिन के कमजोर पहलू क्या है और मजबूत पहलू क्या, इसे कुछ और रिपोर्ट्स को देखकर और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। रूस की फौज मरियुपोल में लगातार आगे बढ़ रही है, एक एक इमारत पर हमला कर रही है, पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के बाद ही आगे बढ़ रही है, क्योंकि रूस को पता है कि यूक्रेन मरियुपोल में गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा है। ये यूक्रेन का सबसे खतरनाक फ्रंट है। लड़ाई मोहल्लों में हो रही है, रूस के टैंक घूम रहे हैं, लड़ाई मारियुपोल की छोटी बड़ी गलियों में हो रही है, एक कोने से दूसरे कोनों में छुपे हुए आम लोगों की जिंदगी की बड़ी बाजी लगी हुई है, कमरों से गोलियां दागी जा रही हैं, सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां मोर्चा संभाले हुए हैं, जिन्हें खुद यूक्रेन की एंटी टैंक मिसाइलों का खतरा है। एंटी टैंक मिसाइलों से यूक्रेन की सेना रूस के टैंकों का कब्रिस्तान पहले कई शहरों में तैयार कर चुकी है। हैवी मशीन भी बिना किसी परहेज के चल रही है। कुल मिलाकर मरियुपोल में इस वक्त बहुत तेज जंग चल रही है। रूस की फौज लगातार अंदर आगे बढ़ रही है। इमारतों में रूस के स्नाइपर छुपे हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए यूक्रेन के स्नाइपर भी लगातार हमले कर रहे हैं। ऐसे ही हमलों ने रूस को आगे बढ़ने से रोका हुआ है। अब तक सैकड़ों जान सिर्फ स्नाइपर अटैक में जा चुकी है। शहर में यूक्रेन और रूस की फौज आमने सामने है, गोलियों की बौछार है, और उसमें जिंदगी बचाने के लिए एक बड़ी आबादी लगातार कोशिश कर रही है। मारियुपोल में अब भी 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद हैं। मारियुपोल इस गली से उस गली, फायरिंग वाली टोली किसको निशाना बना रही है? मारियुपोल में फंसे 1 लाख से ज्यादा लोग इसी दहशत में जी रहे हैं। इस वक्त मारियुपोल में खाने पीने का भारी संकट है, साफ पानी नहीं है, 1 लाख से ज्यादा लोग अब भी शहर में मौजूद। सबसे डराने वाली बात ये कि पिछले 10 दिनों में हजारों बॉडी बैग मारियुपोल में सप्लाई किए गए। ऐसे में मारियुपोल में अगर लड़ाई लंबी खिंची तो मरने वालों की तादाद और ज्यादा बढ़ेगी। आखिर व्लादिमीर पुतिन का सबसे ज्यादा फोकस मारियुपोल पर ही क्यों अटक गया? रिपोर्ट्स कहते हैं कि रूस अब 60,000 नए फौजियों को इस जंग में उतारने जा रहा है। मारियुपोल में अगर यूक्रेन टूटेगा, यानी उसकी फौज सरेंडर करेगी या भागेगी या फिर मारी जाएगी, ये मारियुपोल वॉर थिएटर में रूस के लिए इस वक्त का सबसे बड़ा मिशन बन चुका है। मारियुपोल वो शहर है जिसे रूस 1 महीने से घेर कर भयंकर युद्ध कर रहा है, जहाँ शहर के एक एक कोने पर कब्जा करने के लिए उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। वहाँ रूस जीत से कम कुछ नहीं चाहेगा। मारियुपोल का संकट इस वक्त बुचा और कीव से ज्यादा गंभीर हो चुका है। यहाँ आबादी के चारों तरफ मिसाइल, बड़े बड़े धमाके और गोलियों की बौछार है, जो यूक्रेन और रूस की फौज के बीच बरसाई जा रही है। और यूक्रेन और रूस के युद्ध में माइंड गेम बहुत हाई लेवल का चल रहा है। सरेंडर करने वाले रूसी फौजियों के लिए यूक्रेन ने बड़ा इनाम रखा है। अगर रूस के फौजी टैंक के साथ सरेंडर करते हैं तो उसे $1,00,000 मिलेंगे, यानी कि 75 लाख रुपए दिए जाएंगे। कोई बख्तरबंद गाड़ी लेकर सरेंडर करेगा तो उसे 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अगर कोई रूसी पायलट फाइटर जेट लेकर यूक्रेन में सरेंडर करता है तो उसे 7.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कोई पायलट हेलीकॉप्टर के साथ सरेंडर करता है तो 4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही यूक्रेन ने कहा है कि ऐसे रूसी सैनिकों का नाम गुप्त रखा जाएगा और उन्हें किसी तीसरे देश में सुरक्षित भेज दिया जाएगा। ये लगातार अब प्रलोभन दिया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर लगातार महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ा अपडेट जो सामने आया है वो ये है, इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। 2 हमलावरों ने फायरिंग की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फायरिंग में बिल्डर की मौत हुई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर एक मशहूर बिल्डर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।